गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ एसिड्स से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट एसिड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब देखिए, हम अलग अलग एसिड्स का इस्तेमाल कई चीज़ें बनाने में करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाने में करते हैं। फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एसिड्स। अब कुछ यहाँ यूजेज दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के। द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज टू रिमूव डिपॉजिट्स फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल बॉयलर्स। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें बॉयलर्स होते हैं, तो उनके अंदर जो इनर सर्फेस पे जो डिपॉजिट्स हो जाती हैं, जो गंदगी जम जाती है, तो उस डिपॉजिट्स को, वो गंदगी किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगर रबर फैक्ट्रीज हैं तो कुछ रबर की डिपोजिशन, या लेदर फैक्ट्रीज हैं, लेदर बना रही है, या XYZ कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी कुछ डिपॉजिट्स उनकी बॉडी, उनकी मशीनरी के पार्ट्स में लग गई है, गंदगी जो भी जमा हो गई है, अनयूजफुल मटेरियल्स, तो वो सब वो क्या करते हैं, HCl की हेल्प से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से उनको क्लीन करने के काम में इस एसिड को लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी स्केलिंग। अब इस पूरे प्रोसेस को हम डी स्केलिंग बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सैनिटरी वेयर क्लीनर्स दैट आर यूज टू क्लीन सिंक, सैनिटरी वेयर एंड फ्लोर्स। अब देखिए, हम लोग नॉर्मली हमारे जो घरों पे टॉयलेट्स और जो भी हमारे बाथरूम के टाइल्स वगैरह हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम लोग बाहर से हार्पिक और जो भी कुछ आप लोग एसिड की बोटल्स और फिनाइल वगैरह लेकर आते हैं, तो उनमें भी ये प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे क्या हो, हमारी टाइल्स के जो बीच में, जो दो टाइल्स आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में गंदगी जमा हो जाती है, सोप जमा हो जाता है, या जो लोग शैम्पू यूज़ करते हैं वो जमा हो जाता है बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में वगैरह में, जहाँ पे भी जो भी गंदगी जमा होती है, वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के काम में ये आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज टू प्योरीफाई कॉमन साल्ट। अब देखिए, कॉमन साल्ट है जो हमारे घरों पे किचन्स में अवेलेबल है, जिसे हम खाते हैं, उसे कॉमन साल्ट बोलते हैं, तो इसको प्योरीफाई करने के भी काम में आता है। मतलब जब समुद्र से या जहाँ पर से भी कॉमन साल्ट हम लोग निकालते हैं एवापोरेशन से, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के काम में हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और मैं बता चुकी हूँ, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड किसे कहते हैं, ठीक है, कि वेदर और नॉट इट कंटेन्स वाटर, ठीक है, उसमें कितना पानी प्रेजेंट है, इस बेसिस पे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स डिवाइड किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड। सम ऑफ इट्स यूजेज आर एज फॉलोज। अब देखिए, इसका एक दूसरा नाम भी है सल्फ्यूरिक एसिड का, एंड दैट इज़ ऑयल ऑफ विट्रियोल। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड्स हैं, और इसके कुछ यूजेज हैं। द फर्स्ट वन इज़ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन कार बैटरीज। अब कार की बैटरीज में हम इसका काम में लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, ड्रग्स एंड डाइज। अब देखिए, पेंट्स आपके घरों पर, नैरोलिक, एशियन पेंट्स, ये सब आते हैं, ड्रग्स आते हैं, ठीक है, मेडिसिन, और डाइज जो होती हैं कपड़े रंगने के, जहाँ कपड़े को रंगा जाता है उन्हें डाइज बोलते हैं, वो रंगने वाले मटेरियल को डाई बोला जाता है। डाई हम लोग नॉर्मली हमारे सरों पे भी जो लोग लगाते हैं वो भी डाई होती है, तो इन तीनों चीज़ों को बनाने के हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं। इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स सच इज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट। अब देखिए, यहाँ दो फर्टिलाइजर्स के नाम आए हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। गाँव के देहात में या गाँव वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, ताकि सॉइल की पैदावार बढ़ सके, जो उसकी उपज बढ़ सके, नॉट पैदावार, उपज बढ़ सके, उपजाऊ बन सके ज़मीन। तो फर्टिलाइजर्स को भी बनाने के काम में हम लोग जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, तो इनको बनाने के लिए भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का काम में लेते हैं। नाइट्रिक एसिड, इट इज़ यूज इन ए सॉल्यूशन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू क्लीन सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी। अब देखिए, नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसका फॉर्मूला है, तो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को साफ़ करने के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से के साथ मिलाया जाता है, इनका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है दोनों को मिलाकर, फिर उससे गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी साफ़ की जाती है।
द सेकेंड वन इज इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर सच इज अमोनियम नाइट्रेट. अब यहाँ पे एक और फर्टिलाइजर का नाम आया है दैट इज़ अमोनियम नाइट्रेट. दो हम पहले पढ़ चुके हैं अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट. ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट को बना अब जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसको बनाने के लिए HNO3 नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. द लास्ट वन इज एसिटिक एसिड CH3COOH. हमने पढ़ा था हमारी फर्स्ट इसमें इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पर कि ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड है. एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज़ यूज फॉर कुकिंग. अब देखिए हम खाना बनाने के काम में लेते हैं इस एसिड को. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स सॉसेज एंड केचप्स. अब आपका अचार हुआ, सॉसेज हैं यानी कि केचप्स वगैरह जो आते हैं, टोमेटो सॉस, चिली सॉस वगैरह, तो इनके इनको प्रिजर्व करने के भी काम में हम एसिटिक एसिड को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन द प्रिजर्व्स. यानी कि जिन चीज़ों को भी हमने प्रिजर्व करने के लिए उसमें ये एसिटिक एसिड डाला है, अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो ये उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा. ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा. एसिडिक कंडीशन स्लो डाउन माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ एंड कैन ऑल्सो किल दैम. ठीक है, तो स्लो डाउन हो गया अपने आप, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ अपने आप स्लो डाउन हो गई. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना चाहेगा या होना शुरू होगा तो उसकी ग्रोथ करने से पहले ही जो एसिटिक एसिड है वो उसको ख़त्म कर देगा. इसकी प्रेजेंस की वजह से एसिड है ना, ख़त्म हो जाएगी. हमने पढ़ा था एसिड जो एसिड्स होते हैं वो लिविंग टिश्यू उनको भी ख़त्म कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं. तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो तो कितने छोटे छोटे होते हैं, तो वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस एसिड की प्रेजेंस की वजह से. तो इसलिए हम एसिटिक एसिड को एज ए प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन सेवरल क्लिनजिंग एजेंट यूज फॉर क्लीनिंग विंडोज़, फ्लोर्स एंड यूटेंसिल्स. अब देखिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिसेज होती हैं, तो वहाँ पे जो विंडोज़ को क्लीन करने के काम में भी हम लोग एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, बहुत सारे क्लिनजिंग एजेंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है. जिन भी चीज़ों से हम लोग विंडोज़ वगैरह साफ़ करते हैं तो उनमें ये एसिड प्रेजेंट होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग स्टेन्स फ्रॉम वुडन फर्नीचर एंड कारपेट्स. अब देखिए जो वुडन फर्नीचर्स हैं, लकड़ी के फर्नीचर्स और जो कारपेट्स होते हैं जिन्हें हम लोग बिछाते हैं, बाई चांस उन पर अगर कोई स्टेन लग गया, धब्बा लग गया, कुछ चाय खाना कुछ भी गिर गया उस पर, तो उसको क्लीन करने के भी काम में एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ बेसिक सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेज कंटेनिंग बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेज. अब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर बेसिस प्रेजेंट हो वो बेसिक सब्सटेंस कहलाते हैं. बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच. अब देखिए जितने भी बेसिस होते हैं वो या तो कड़वे होंगे टेस्ट में, या अगर आप उन्हें टच करोगे तो वो स्लिपरी आपको फील होगा, आपको कि स्लिपरी काफ़ी स्लिपरी होते हैं वो. सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच आर लेबोरेटरी रिएजेंट्स. अब देखिए यहाँ पे दो आए हैं बेसिस के नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये दो बहुत कॉमन बेसिस हैं जो लेबोरेटरीज के अंदर एज ए रिएजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. व्हाट इज़ रिएजेंट? तो बेटा रिएजेंट्स होते हैं ऐसे केमिकल्स जो रिएक्शंस करवाते हैं. जैसे दो चीज़ों के अंदर अगर आपको रिएक्शन करानी है दो केमिकल्स के अंदर और वो रिएक्शन हो नहीं रही है तो आप रिएजेंट ऐड कर दो. ठीक है, तो रिएजेंट के प्रेजेंस में वो दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे. तो ये काफ़ी डिटेल का एक प्रोसेस है, ये तो हमारे हायर क्लासेस में आएगा रिएजेंट्स के बारे में. तो बस रिएजेंट्स ये होते हैं कि दो केमिकल्स के बीच में रिएक्शंस करवाने वाले, उन्हें घोलने वाले. तो ये दो कॉमन रिएजेंट्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल सब्सटेंसेस. कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग वाइट एंड बेकिंग सोडा आर सम कॉमनली नेचुरली ऑक्यूरिंग बेसिस. ठीक है, अब देखिए ये मिनरल सब्सटेंस में के मिनरल सब्सटेंस से क्या किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. जो भी मिनरल्स वगैरह हमें प्रेजेंट है उससे इन्हें बनाया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम इज़ ए मिनरल. सो अब यहाँ पे कुछ आपको नेचुरली ऑक्यूरिंग बेसिस के नाम दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉर्न स्टार्च, अरारोट का आटा. जो कॉर्न है, मक्का है, उसका मैदे को बोलते हैं कॉर्न स्टार्च. फ्रेश एग वाइट, एग वाइट जो होती है आपकी सफ़ेदी अंडे की, वो बेकिंग सोडा हर घर में प्रेजेंट होता है. हम केक वगैरह बनाने के काम में लेते हैं बेकिंग सोडा को. सम आर दे दीज आर सम नेचुरली ऑक्यूरिंग बेसिस. दे आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज. अब ये जो तीन चार जो नाम आए हैं ये या तो हमें प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल से मिल रहे हैं. एग वाइट एनिमल से मिलता है, एग तो उसकी सफ़ेदी
बेसिक नाउ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस सिमिलर टू एसिड्स बेसिस ऑल्सो हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम अदर केमिकल सब्सटेंसेज फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस अब देखिए एसिड की ही तरह बेसिस के अंदर भी अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उन्हें दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस से अलग बनाती हैं एसिड से भी और यहाँ हमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं बेसिस की जो सारे ही बेसिस के अंदर कॉमन होती हैं द फर्स्ट वन इज़ ऑलमोस्ट ऑल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट ज़्यादातर बेसिस यहाँ देखिए ऑलमोस्ट वर्ड आया है ये नहीं आया है कि सारे ही बेसिस कड़वे होते हैं ऑलमोस्ट ऑल ठीक है ज़्यादातर सभी कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं तो ये क्या हैं कड़वे होते हैं टेस्ट में सेकंड वन इज़ सॉल्यूशन ऑफ बेसिस फील स्लिपरी टू टच तो यानी जब आप बेसिस का सॉल्यूशन बनाएंगे उसे पानी में डिसॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे या आपका सोप है सोप इज़ ए एग्जांपल ऑफ बेस ठीक है इज़ एन एग्जांपल ऑफ बेस तो आप अगर सोप को थोड़ा गीला करते हैं और जब आप उसको अपने हैंड्स पर रब करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे हाथ से फिसलता है स्लिपरी है तो ज़्यादातर बेसिस क्या होते हैं स्लिपरी होते हैं This can be tested with any household base, such as soap or baking soda solution that can be applied on hands and rubbed to feel the slippery touch. ठीक है हम इसका क्या कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं हमारे घरों पर भी मैंने आपको बता ही दिया सोप को कर लो आप उसे गीला करके अपने हाथों पर रब करो तो आपको अपने आप स्लिपरी फील होगा सम बेसिस सच एज अमोनिया हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑडर दैट कैन इरीटेट द आई स्किन नोज एंड थ्रॉट अब यहाँ पर एक बेस का नाम आया है अमोनिया ठीक है जिसका ऑर्डर जो है उसकी स्मेल जो है वो बहुत तेज़ होती है इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है कि अगर आप अमोनिया के प्रेजेंस में थोड़ी देर भी अगर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ी भी अमोनिया लाके छोड़ दी जाए तो उसका ऑर्डर इतना तेज़ होता है कि आपकी आंखों में जलन बचने लगेगी स्किन में इरीटेशन फील होगा नोज़ में आपके गले में इरीटेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिस कैन ऑल्सो बी हाईली रिएक्टिव एंड देयरफॉर कोरोसिव अब मैं आपको पहले वीडियोज़ में समझा चुकी हूँ कि रिएक्टिव और कोरोसिव का क्या मतलब होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बेसिस इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मतलब थोड़ा सा भी अगर आप बेस का सॉल्यूशन आप किसी सॉलिड पर चीज़ पर मेटल पर आपकी बुक्स पर इन पर डालोगे तो वो चीज़ बर्न हो जाएगी ख़राब हो जाएगी डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है कोरोड हो जाएगी बेसिस में और मे नॉट बी सॉल्यूबल इन वाटर अब देखिए बेसिस जो हैं वो या तो सॉल्यूबल हैं पानी में कुछ बेसिस और कुछ नहीं भी होती बेसिस दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइज अब जितने भी ऐसे बेसिस हैं जिन्हें आप पानी में डिसॉल्व करवा सकते हैं उनको हमने यह नाम दिया है अल्कलाई तो जब भी किसी आप ये वर्ड्स पढ़ें अल्कलाई किसी भी कंपाउंड के आगे तो आप समझ जाना कि ये जो कंपाउंड का जो हमें दिया गया है जिसके आगे ये अल्कलाई वर्ड जुड़ा है वो कंपाउंड एक बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है ठीक है जो बेसिस हैं वो बहुत से कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व किए जा सकते हैं और कुछ नहीं तो जो बेसिस को हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं उनको हमने अल्कलाई नाम दे दिया गया है दिया है हमें अल्कलाई बोलते हैं उन बेसिस को जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ अल्कलाइज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब यहाँ तीन एग्जांपल्स दिए हैं अल्कलाइज के द फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये तीन बेसिस ऐसे हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हम इन्हें कर सकते हैं नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस अब एसिड्स की ही तरह बेसिस भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड दे कैन बी वीक बेसिस कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस बेस्ड ऑन हाउ कोरोसिव दे आर ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ कोरोसिव नेचर दे आर क्लासिफाइड इंटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस दो पार्ट्स में हमने इन्हें डिवाइड करा है उनकी कोरोसिव नेचर स्ट्रांगनेस के बेसिस पर कि कितना ये चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं कितनी जल्दी ये रिएक्ट कर सकते हैं चीज़ों से द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेसिस दे आर कोरोसिव इन नेचर एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली अब देखिए काफ़ी कोरोसिव नेचर के होते हैं इसलिए हमें इनका जो हम इन्हें हैंडल करते हैं इन्हें हैंडल केयरफुली करना चाहिए क्योंकि अगर ये गिर गया इन केस ऑफ एक्सीडेंटल स्पाइलेज ऑन द स्किन दे कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन टिश्यू ठीक है अगर ये हमारे हाथ पैरों पे कहीं गिर गया तो हमारे सीवियर बर्न हो सकते हैं अगर किसी मेटल पे गिर गया तो वो मेटल भी ख़राब हो सकता है कपड़ों पे गिर गया हमारे तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं ठीक है इसलिए हमें इन्हें केयरफुली हैंडल करना चाहिए causing severe burns example of strong bases are caustic soda or sodium hydroxide and caustic potash or potassium hydroxide to yahan pe do aapko strong bases ke example diye gaye hain the first one is caustic soda sodium hydroxide hum pichle do chapters se padhte aa rahe hain NaOH humne hamare previous chapter mein bhi padha tha NaOH aur is chapter mein bhi hum padh rahe hain
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और थोड़ा बहुत कास्टिक सोडा आपके डिटर्जेंट्स और सोप में भी प्रेजेंट होता है, उसे डाला जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, चीज़ों से रिएक्ट कर लेता है। तो हमारे स्किन पर, हमारे कपड़ों पे जो भी गंदगी जमी होगी उससे ये रिएक्ट कर जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा केमिकल ऐड होगा, फॉर एग्जांपल खाना, कोई सब्ज़ी का स्ट्रेन हमारे कपड़ों पे लग जाता है, ऑयल गिर जाता है, तो ये उस ऑयल से रिएक्ट करके उसको रिमूव आउट कर देगा। एंड कास्टिक पोटैश, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इनके दो नाम हैं, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटैश। किसके नाम हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस आर नॉट हाईली रिएक्टिव एंड देयरफॉर नॉट कोरोसिव। अब देखिए नाम से पता चल रहा है वीक है भाई, वीक बेस है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर सकता ये चीज़ों के साथ, और इसलिए ये इतना कोरोसिव नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस आर कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस विच इज़ नॉट एज कोरोसिव एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरह इतने कोरोसिव नेचर के नहीं होते, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। यूजेज ऑफ बेसिस, फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ सम कॉमनली नॉन बेसिस। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको यूजेज दिए गए हैं कॉमन बेसिस के, जो कि हम कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वाइडली यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब देखिए इन दो चीज़ों को बनाने के काम में लिया जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल। अब पेपर और टेक्सटाइल बनाने के भी काम में लिया जाता है। इन होम्स इट इज़ समटाइम्स यूज फॉर अनब्लॉकिंग क्लॉग्ड ड्रेन्स। अब देखिए हमारी सिंक वगैरह की जो ड्रेन्स हैं, नलियाँ वगैरह, वो कई बार बंद हो जाती हैं। ठीक है, उनमें कचरा या गंदगी जमा हो जाती है। वैसे ही और जो बड़े ड्रेन्स हैं हमारे घर के, सीवियर पाइप वगैरह, इनमें भी कुछ जमा हो जाता है वेस्ट मटेरियल, तो उनको साफ़ करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द सेकंड वन इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम, CaOH का हॉल्ट वाइस। इट इज़ यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी इन सॉइल्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, सॉइल्स के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि कुछ एसिडिक सब्सटेंस इंक्रीज हो जाते हैं सॉइल में, और इस एसिडिटी की वजह से वहाँ पे कोई पेड़ पौधे या कोई फसल नहीं लग पाती, सारी जल जाती हैं लगाने पर। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस डालते हैं। जब एसिड के साथ बेस कंबाइन होता है तो वो चीज़ न्यूट्रल बन जाती है। ठीक है, नॉर्मल हो जाती है वो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग स्लेक लाइम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सॉइल की एसिडिटी को कम करने में, न्यूट्रलाइज करने में। द सेकेंड वन इज़ इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग एंड एज ए कंस्टिट्यूंट फॉर सीमेंट, प्लास्टर एंड मॉर्टार। अब देखिए वाइट वॉशिंग जो है, सीमेंट वगैरह है, प्लास्टर है, मॉर्टार है, मॉर्टार भी बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है, प्लास्टर होता है, ये भी एक तरीके का मसाला जिसे आप घर बनाने के, बिल्डिंग बनाने के काम में लिया जाता है। मॉर्टार को भी सीमेंट की ही तरह, इसका कलर भी सीमेंट की तरह होता है मॉर्टार का। तो इनको इनका एक कंस्टिट्यूंट होता है, यानी कि जिन चीज़ों से इन चारों को बनाया जाता है उनमें से एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। इट इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडीएक्स मिक्सचर विच इज़ यूज एज ए पेस्टिसाइड फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। देखिए बॉडीएक्स मिक्सचर एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है जिसे हम पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो पेस्ट को ख़त्म कर दें, कीड़े मकोड़े और जो भी पेड़ पौधों पर फंगी फपूंद वगैरह लगने का खतरा रहता है उनको ये ख़त्म कर देता है बॉडीएक्स मिक्सचर। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करता है, तो इसका मेजर कंपोनेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बॉडीएक्स मिक्सचर को बनाने के काम में लिया जाता है। बॉडीएक्स मिक्सचर क्या है, एक पेस्टिसाइड है जिन्हें एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर डाला जाता है ताकि उन क्रॉप्स के ऊपर कोई फंगस ना लगे, यानी फपूंद, कोई कीड़े मकोड़े, पेस्ट वगैरह वहाँ जमा ना हो। द थर्ड वन इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज़ यूज एज एन एंटा एसिड और अ लग्जेटिव। इट हेल्प्स टू रिड्यूस एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक। अब देखिए एंटा एसिड का मतलब होता है एसिडिटी को जो कम करें। हम लोग कई बार कुछ ऐसा खा लेते हैं कि हमारे पेट में जलन मचने लगती है, खाना हजम नहीं होता, तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से हमारे पेट की एसिडिटी कम हो जाती है। और लैक्सेटिव का मतलब होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है, तो कॉन्स्टिपेशन में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें लैक्सेटिव बोला जाता है। द लास्ट वन इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन। इट इज़ यूज एज ए हाउस होल्ड क्लीनर। अब देखिए जो हमारे घरों में जो क्लीनर्स होते हैं जिनसे हमारे टाइल्स,
वगैरह साफ़ करते हैं, बाज़ार से लाते हैं, हारपिक्स वगैरह, तो इनमें ये केमिकल प्रेजेंट होता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सच इज अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम फोस्फेट। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग फैक्ट्रीज में भी करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में इसको लिया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। और कौन से दो फर्टिलाइजर्स हैं? अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम फोस्फेट। इन दो फर्टिलाइजर्स को बनाने के काम में हम इसे लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ हमने कुछ बेसिस के यूजेस पढ़े, हमने यहाँ पे कि हम लोग डेली बेसिस पे इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चार हमने बेसिस देखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक बहुत कॉमन बेसिस यूजेज हैं जो कि हम डेली हमारी लाइफ में इनका इस्तेमाल देखते हैं, हमारे किसी ना किसी बड़े को या किसी और को करते हुए। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।